Assalamu alaikum, myself Muhammad Nadeem Raza. Welcome to my YouTube channel Raza Mathematics. So, viewer kindly subscribe my YouTube channel and watch full video and press the bell icon. So, let's start the video. Exercise 2.6, question number 2. Find the value of h using synthetic deviant if 3 is the 0 of the polynomial. क्वेश्चन नंबर टू में यह कहता है कि आपने एच की कीमत मालूम करनी है कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हुए तरकीबी तकसीम यानी सिंथेटिक डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करते हुए एच की कीमत मालूम करनी है अगर तीन जो है इस कसीर रकमी का क्या हो ज़ीरो हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कोफ़िशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हमारे पास पोलिनियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एच एक्स स्केयर प्लस नाइन बाई यूजिंग सेंथेटिक डिवीजन ठीक रकमी को किस पे तकसीम करना है तीन पे तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट हमारे पास क्या है टू एक्स स्केयर का कोफिशेंट है माइनस थ्री एच एक्स स्केयर के बाद क्या आता है हमारे पास एक्स तो एक्स स्केयर नहीं है यानी प्लस ज़ीरो एक्स प्लस नाइन तो एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है जीरो और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास नाइन तो दो को नीचे ले आएंगे दो को तीन के साथ ज़रब देने से हमारे पास क्या आएगा छ तो दोनों को जमा कर दें छ माइनस तीन एच मल्टीप्लाई करें तीन ज़रब छः अठारह अठारह माइनस तीन ज़रब तीन एच माइनस नौ एच जमा करेंगे तो आ जाएगा अठारह माइनस अठारह माइनस नौ एच आ गया आप तीन को ज़रब देंगे अठारह के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी फोर और तीन को ज़रब देंगे माइनस नौ एच के साथ तो आ जाएगा सत्ताईस एच जमा कर देंगे नौ जमा फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन एच आएगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया सिक्सटी थ्री माइनस टू ट्वेंटी सेवन एच हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर अब हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के थ्री जो है हमारे पास पॉलिनोमियल का ज़ीरो है यानी थ्री इसको क्या करेगा पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया अब सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी जबकि सवाल की शर्त के मुताबिक रिमाइंडर क्या है ज़ीरो है तो इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें और इसको इक्वेशन नंबर टू कह दें दोनों को कंपेयर कर लें कंपेयरिंग वन एंड टू दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास आएगा सिक्सटी थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन एच इज़ टू ज़ीरो माइनस ट्वेंटी सेवन एच बराबर हो जाएगा माइनस सिक्सटी थ्री के माइनस के साथ माइनस कैंसिल ट्वेंटी सेवन एच बराबर हो जाएगा सिक्सटी थ्री के एच बराबर आ जाएगा हमारे पास सिक्सटी थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी सेवन दोनों क्या है हमारे पास नौ पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री बाय सेवन यानी सेवन मल्टीप्लाई बाई नाइन सिक्सटी थ्री और थ्री मल्टीप्लाई बाई नाइन ट्वेंटी सेवन दोनों के नौ पे तकसीम हो रहे हैं पूरा पूरा तो यह आ जाएगा हमारे पास सेवन बाई थ्री एच की वैल्यू पार्ट नंबर टू है फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ वन इज़ द ज़ीरो ऑफ़ द पोलिनोमियल दिस तो सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल है हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एच एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स क्यूब माइनस टू एच एक्स स्क्र प्लस ज़ीरो एक्स प्लस इलेवन यानी डिसेंडिंग आर्डर में हमारे पास एक्स नहीं था तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स तो जीरो ही होता है तो ये आ गया हमारे पास पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करते हुए पोलिनोमियल को वन पे डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफ़िशेंट हमारे पास वन है एक्स केयर का माइनस टू एच है एक्स का ज़ीरो है और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास इलेवन तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं नीचे वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास वन माइनस टू एच वन को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एज इट इज़ आएगा माइनस टू एच जमा कर दें वन माइनस टू एच वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस टू एच आएगा दोनों को जमा कर दें वन प्लस इलेवन टवेल्व माइनस टू एच तो इस कोफिशेंट इस पॉलिनोमियल से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है ट्वेल्व माइनस टू एच हमारे पास क्या आ गया है रिमाइंडर यानी बाक़ी हमारे पास क्या बचा बारह माइनस टू एच तो सवाल की शर्त क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन है हमारे पास के वन जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है यानी जब वन पे पूरा पूरा तकसीम होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है ज़ीरो इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू यानी हमने रिमाइंडर निकाला हुआ है ट्वेल्व माइनस टू एच के सवाल में ये कहता है कि इस वन जो है वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो है यानी उसका जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा ज़ीरो तो हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन वन और दो को दिस इम्प्लाइज 12 ट्वेल्व माइनस टू एच बराबर हो जाएगा ज़ीरो के तो यहाँ से हमारे पास टू एच आ जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस के साथ माइनस कैंसिल टू एच आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व के एच इज़ इक्वल टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू एच इज़ इक्वल टू सिक्स आ जाएगा तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई सिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन जीरो ऑफ़ 2x3 5hx थ्री क्या आपने h की कीमत मालूम करनी है तरकिबी तकसीम तर, का तरीका इस्तेमाल करते हुए गिवन हमारे पास के -1 वन इस कसी रकमी का ज़ीरो हो तो हमारे पास पॉलीनोमियल है टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एच एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री तो इसको हम तरतीब दे देते हैं टू एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो एक्स स्केयर प्लस फाइव एच एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री यानी हमारे पास यहाँ पे एक्स क्या था मिस था तो उसकी जगह पे हम लिख दिया जीरो डॉट एक्स स्केयर जीरो ही होता है तो इसकी आ गई तरतीब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं एक्स क्यूब का कोविशेंट है टू एक्स का कोफिशियंट एक्स केयर का कोफिशियंट जीरो और एक्स का कोफिशियंट फाइव एच और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास माइनस ट्वेंटी थ्री किस पे डिवाइड करेंगे माइनस वन के साथ दिया गया माइनस वन टू एज इट इज़ आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन माइनस टू एड कर दें माइनस टू ही आएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन प्लस टू यह आ जाएगा प्लस टू so, यह आ जाएगा टू प्लस फाइव एच माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा माइनस टू माइनस फ़ाइव एच माइनस ट्वेंटी थ्री और माइनस टू माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव एच हमारे पास आ गया रिमाइंडर तो इसी पॉलिनोमियल से हमारे पास रिमाइंडर आ गया माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव एच क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर इक्वेशन नंबर वन अब हमारे पास सवाल की कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बशर्ते सवाल हमारे पास क्या है कि माइनस वन जो है वो कसी रकमी का क्या है जीरो है यानी उसका रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास ज़ीरो इक्वेशन वन एंड ये आ गए हमारे पास इक्वेशन टू दोनों को कंपेयर कर लें कंपेयरिंग वन एंड टू दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव एच इज़ इक्वल टू जीरो माइनस फाइव एच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एच इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फाइव तो एच आ जाएगा हमारे पास माइनस फाइव एच की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस फाइव के